बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू अतुल, वो भी उसी कॉलेज से हैं जहां से मैं फिल्म मेकिंग की तैयारी कर रहा हूँ, AAFT, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द मूवी। सो मैं मुंबई पुलिस से बस एक बात कहना चाहता हूँ, जनता माफ नहीं करेगी। काश आज भी विजय जैसे बेहतरीन लोग मुंबई पुलिस में होते जो पूरे सिस्टम और करप्शन के खिलाफ जा करके सच्चाई को सामने लाते और हम सबके सामने उन चेहरों का सच लाते जो मासूमियत का चद्दर लपेटे पीछे एक काला सच लिए घूम रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं मूवी रिव्यू ऑफ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल क्लास ऑफ 83। अब बॉबी देओल स्टारर मूवी कैसी है ये बेहतरीन मूवी मैंने पहले ही बता दिया, तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर बिना करे आपको बोर। तो सबसे पहली और सबसे अच्छी बात, ये मूवी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु में अवेलेबल है। आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा में इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मूवी काफी शॉर्ट है, 1 घंटे 38 मिनट की है और इतने ही टाइम में आपको एक बेहतरीन थ्रिल एडवेंचर में ले जाती है। एक और अच्छी बात है इस मूवी के साथ में, आप इस मूवी को अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस समय ये मूवी रिलीज हो रही है बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है, मुंबई पुलिस का काला सच सबके सामने आ चुका है। सुशांत सर का जो केस चल रहा था, जिस तरीके से मुंबई पुलिस उसको हाइड करने की कोशिश कर रही थी, काश आज भी विजय सर जैसे लोग जिंदा होते और मुंबई पुलिस में होते जो सिस्टम के खिलाफ लड़ करके सच सामने जरूर लाते। बट शायद आज के जमाने में मुंबई पुलिस पूरी बिक चुकी है। तो इस मूवी में लॉ एंड ऑर्डर के नंगे नाच को सबके सामने बेपर्दा किया गया है, और क्या खूबसूरती से बेपर्दा किया गया है। ताली भी बज जाती है, आवाज भी नहीं आती है। साथ ही साथ इस मूवी में बॉम्बे का सीन दिखाया गया है 90s के जमाने का, और कितने अच्छे तरीके से उसको रिक्रिएट किया गया उसके लिए भी अप्लॉज तो बनता ही है। तो इस मूवी का प्लॉट फॉलो करता है 90s के बॉम्बे पे, जहां पे विजय सिंह और उनकी टीम जिसमें खान, शुक्ला और जाधव वगैरह हैं, ये पांच लोग मिलकर के सिस्टम और लॉ और ऑर्डर के खिलाफ जाकर के गैंगस्टर का पर्दाफाश करते हैं और उनका एनकाउंटर करते हैं। और क्या ये लोग मिलकर के मुंबई को क्लीन कर पाएंगे, और साथ ही साथ इनके बीच में कैसे रोड़े अटकाए जाएंगे और इन सब लोगों के साथ क्या होगा, और फाइनली ये टीम अपनी लड़ाई को जीत पाएगी क्या, बस ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा क्लास ऑफ 83। अगर हम लोग बात करें एक्टिंग परफॉर्मेंस की, तो इस मूवी में ज्यादातर सारे के सारे एक्टर अंडररेटेड हैं, बॉबी देओल से लेकर के हमारे शुक्ला का रोल प्ले करने वाले एक्टर तक। तो सारे ही सारे एक्टर्स ने अपनी परफॉर्मेंस में चार चांद लगाने की तो कोशिश की है, और वो लोग कामयाब भी रहे हैं। ये मूवी को याद किया जाएगा इन एक्टर्स की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। अगर हम लोग बात करें बैकग्राउंड स्कोर्स की या फिर म्यूजिक की, वो थोड़ा सा एक वीक पॉइंट था इस मूवी के लिए। मेरे को लगा थोड़े से और बेटर हो सकते थे बैकग्राउंड स्कोर्स। वहीं पे अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात करें, विजुअल्स की बात करें, VFX वर्क भी है मूवी में, हर चीज काफी अच्छी है, अप टू द मार्क है। अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन इसको दिया है अतुल ने, और वो उसी कॉलेज से निकले हैं जिस कॉलेज से मैं फिल्म मेकिंग की स्टडीज कर रहा हूँ, एफ्ट से। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू अतुल, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है इस मूवी में। हालांकि मूवी में कुछ फ्लॉज भी हैं, जैसे कि जिस पर्टिकुलर जॉनरा पे ये मूवी है, क्राइम थ्रिलिंग जॉनरा पे, उसमें आज से पहले बहुत सारी मूवीज और वेब सीरीज बन चुकी हैं, और इस मूवी में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नया और डिफरेंट देखने को आपको नहीं मिलेगा जो आज से पहले आपने ना देखा हो, ये तो एक सच्चाई है। और अगर आपने आज से पहले बहुत सारे क्राइम ड्रामास देख रखे हैं, तो आप इस मूवी से बोर भी हो सकते हैं, बिकॉज स्क्रीन प्ले उतना ज़्यादा इंगेजिंग नहीं है एंड सस्पेंस भी उतना ज़्यादा बरकरार नहीं रह पाता है। लास्टली बात के लिए मेरे फाइनल ओपिनियन की, तो मेरी ओपिनियन है इस मूवी के लिए ज़रूर जाइए, हमारे सारे अंडररेटेड एक्टर्स को सपोर्ट करिए, और मूवी भी वैसी ही है जिसको हमको सपोर्ट करना चाहिए। फाइनली बात करें मेरे रेटिंग की, तो मेरी रेटिंग है इस मूवी के लिए 3.8 out of 5 की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो कर दो वीडियो को लाइक, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको करनी है मुझसे कोई बात, तो मिलिए इंस्टाग्राम पर, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।